everyone, welcome back to my channel. प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं। ये प्रोडक्ट है Maybelline का Fit Me Compact Powder. I know friends, ये काफी पुराना प्रोडक्ट है, बट ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है और इसका जो रिव्यू है वो मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है. सो आई थॉट कि मुझे अपना जो फीडबैक है वो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और पैकेजिंग देख लेते हैं. तो फ्रेंड्स, ये है मेन प्रोडक्ट. ब्लैक शाइनी कलर का बॉक्स है आगे और पीछे से. मिडिल पोर्शन में ट्रांसपेरेंट रखा गया है ताकि आपको जो शेड है वो दिखाई दे. शेड नंबर है 222. ट्रू बेस पाउडर है ये. ये फ्रेंड्स मैट पोरलेस पाउडर है. नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट है. प्राइस है 480 रुपीज एंड क्वान्टिटी है 8.5 ग्राम. और ये देखिए, ब्यूटीफुल सा मिरर दिया गया है अंदर एंड अलोंग विद दैट एक टाइनी सा पफ भी दिया गया है जिसे रखने के लिए सेपरेट स्पेस दिया गया है. आप ये कॉम्पैक्ट पफ या फिर ब्रश के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं. ये देखिए, ये है फॉर्मूला. थोड़ा वाइटी टच देता है. यहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, ये देखिए. बट फ्रेंड्स, ये फुल कवरेज देता है, अच्छे से कवर करता है एरिया को. आई लाइक दिस कॉम्पैक्ट पाउडर, मुझे अच्छा लगता है ये और ऑलमोस्ट ये मैं डेली अप्लाई करती हूँ अपने चेहरे पर. अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा मेकअप लुक जो है वो मैं क्रिएट करके बताऊंगी. ये रेडी टू गो मेकअप लुक है जो कि बहुत ही मिनिमम रहेगा. पहले मैंने अपने चेहरे को वॉश कर लिया है विद दिस पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी स्पॉटलेस फेयरनेस फेस वॉश के थ्रू. इसका जो रिव्यू है ये मैं ऑलरेडी अपने चैनल में शेयर कर चुकी हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगी. Then friends, I'm applying toner. यहाँ पर मैं बायोटिक का क्यूकम्बर टोनर ले रही हूँ जो कि मेरे चेहरे को गर्मियों में एक ठंडक जो है वो ये देगा. टोनर अप्लाई करने के बाद मैं 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए. अब मैं अप्लाई करूंगी गुड वाइब्स का एलमंड स्किन ब्राइटनिंग फेशियल ऑयल. इसका रिव्यू भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, काफी अच्छा वाला फेशियल ऑयल है ये फ्रेंड्स. ये जो डार्क सर्कल्स जो होते हैं वो ये इम्प्रूव करता है, कम करता है और जो स्किन का जो टेक्सचर होता है वो ये सिमिलर बनाने में मदद करता है. बहुत ज्यादा नहीं लूंगी, खाली मैंने 2 डॉट्स लिए हैं क्योंकि फ्रेंड्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन. तो मैं बहुत ज्यादा ऑयल जो है वो मैं नहीं लगाती हूँ, 2 बूंद काफी होता है. और अच्छे से मसाज कर लूंगी ताकि ये मेरे पोर्स के अंदर जाकर अपना जो इफेक्टिव रिजल्ट है वो दे. फेशियल ऑयल अप्लाई करने के बाद अब मुझे मॉइस्चराइजर जो है वो अप्लाई करना है, लेकिन वो मैं नहीं करूंगी. उसकी जगह पर मैं अप्लाई कर रही हूँ गुड वाइब्स का ये ऑरेंज जेल है. ये भी काफी अच्छा जेल है और इसका भी रिव्यू मैं शेयर कर चुकी हूँ, काफी अच्छा वाला जेल है. ये मेरे चेहरे को मॉइस्चराइजिंग करने का काम करेगा. और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो स्किन रूटीन है वो कंप्लीट हो गई है और अब मैं अप्लाई करूंगी मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर. आई एम अप्लाइंग दिस कॉम्पैक्ट पाउडर विद द हेल्प ऑफ ब्रश. पफ से मैं पाउडर कभी भी अप्लाई नहीं कर पाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट अच्छे से ही अप्लाई होता नहीं है पफ के थ्रू. ये ब्रश के थ्रू मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, मिक्स कर लूंगी नेक एरिया पे, ईयर्स में. और ये देखिए, जो एक जो नॉर्मल सा जो व्हाइट जो टच होता है ये देता है, बहुत ज्यादा ब्राइटनिंग वाला व्हाइट भी नहीं है, नॉर्मल व्हाइट है. मतलब ये कवर करता है चेहरे को, एक तरह का जो कवरेज है वो ये देता है. ये देखिए, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ना मैंने फाउंडेशन लगाया है, ना मैंने बीबी क्रीम लगाई है, ना मैंने कुछ लगाया, खाली मैंने अपना नॉर्मल स्किन केयर रूटीन किया है एंड देन आई अप्लाइड दिस कॉम्पैक्ट पाउडर. और ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से कवर हो गया है, जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो मैंने अप्लाई कर लिया है. अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, खाली मुझे अपने आईब्रोज को सेट करना है, लिप कलर अप्लाई करना है. तो आईब्रोज को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ लैक्मे का इल्यूमिनाइटिंग जो आई शेडो पैलेट है, उसका ब्राउन शेड में लूंगी. और ब्रश, अगर आपके पास कोई भी नुकीला ब्रश हो, एंगल वाला जो ब्रश होता है, उसके थ्रू आप अपने आईब्रोज को सेट कर सकते हैं. आईब्रोज को बनाने के बाद अब मुझे लिप कलर अप्लाई करना है. लिप कलर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है लैक्मे का 925 वेटलेस मैट मूव लिप एंड चीक कलर, जो कि मैं लिप्स पर भी अप्लाई करूंगी और अपनी चीक्स पर भी अप्लाई करूंगी फॉर ब्लशर लुक, क्योंकि मुझे ब्लश वाला पिंकिश कलर का लुक चाहिए अपनी चीक्स पर. तो मैं थोड़ा सा अपने दोनों चीक्स पर डॉट दूंगी और फिंगर्स के थ्रू मैं ब्लेंड कर दूंगी.
ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से अप्लाई हो गया है। अब मुझे काजल लगाना है और काजल के लिए मैंने यहाँ पर NY का ब्लैक काजल यूज किया है। ये काफी पिगमेंटेड काजल है ये देखिए, और मैंने खाली एक ही स्ट्रोक अप्लाई किया है और ये देखिए कितने अच्छे से जो कलर है वो निकल कर आया है। 2-3 बार मैं ये अप्लाई करूंगी। लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करने के बाद मैं जो अपर लैश लाइन है वहां पर मैं थोड़ा सा अप्लाई करूंगी ताकि आंखें जो है वो उभर कर आए, देखने में अच्छी लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा लुक एकदम कंप्लीट हो गया है। मेरे आईलिड का एरिया थोड़ा ब्लैकिश लग रहा है क्योंकि थोड़े आंखों में डार्क सर्कल्स है, तो उसको हाइड करने के लिए मैंने जो लैक्मे का आई शेडो पैलेट लिया था उसी में से मैं जो क्रीम कलर का जो शेड है वो मैं अप्लाई करूंगी अपने आईलिड पर। और ये देखिए लुक एकदम कंप्लीट है। ये बहुत ही मिनिमम मेकअप लुक है, रेडी टू गो वाला मेकअप लुक है। अगर आपको जल्दी में कहीं भी जाना है तो आप अपना खाली स्किन केयर रूटीन करिए और ये जो मेबलिन का फिट में जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो आप अप्लाई कीजिए। काफी अच्छा कवरेज देता है फ्रेंड्स, एकदम नो मेकअप लुक है। मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, ना मैंने फाउंडेशन लगाया है, ना मैंने बीबी क्रीम लगाई है। फ्रेंड्स, ये जो मेकअप लुक है ये मेरा नो मेकअप लुक है, रेडी टू गो वाला मेकअप लुक है। ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ये काफी अच्छा वाला कॉम्पैक्ट पाउडर है। अगर आपने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी इसको एक बार ट्राई कीजिए और अपना जो फीडबैक है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसमें आपको काफी शेड्स मिल जाएगी, आप अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी शेड पिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो मेरा आज का रिव्यू वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ।